आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में भारत जोड़ो यात्रा अभियान के निमित्त प्रेस वार्ता की गई, जिसे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर ने संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 7 सितंबर 2022 एक ऐसा दिन जब देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब तक की सबसे लंबी पदयात्रा शुरू करेगी। आज का दिन एक शांत चिंतन और नए सिरे से संकल्प का दिन है। भारतीय राजनीति में यह एक टर्निंग पॉइंट है, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विचार और सीख आज भी राहुल गांधी के लिए हौसले का काम करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा इसी हौसले के साथ शुरू होने जा रही है। आप जानते हैं कि आज 7 सितंबर से हमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। आज आदरणीय हम सबों के नेता राहुल गांधी जी एक सभा के बाद यात्रा के शुभारंभ करेंगे। उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि उनके हम लोग बातों को सुन सके और एक संकल्प ले कि भारत जो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जाती है, जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से मोहब्बत के बीच में नफरत आरे आ रही है, वैसे समय में एक संकल्प लेने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि आज ये भारतीय राजनीति कहिए या भारत के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, जो आज ये शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के विचार और सीख आज भी राहुल गांधी के लिए हौसले का काम करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा इसी हौसले के साथ शुरू होने जा रही है। आप सब जानते हैं कि इस यात्रा में करीब 3500 किलोमीटर चलने का कार्यक्रम है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक हम पदयात्रा करेंगे और लोगों के बीच जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई रहती है उसको पाटने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस देश में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, किस तरह से देश में सामाजिक समरसता का माहौल खराब होते जा रहा है और किस तरह से जो संविधान में दी गई शक्तियां हैं उसका हनन हो रहा है। और इस माध्यम से हम लोग पूरे देश को जोड़ने का काम करेंगे। 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से आदरणीय राहुल गांधी जी गुजरेंगे और हम लोग जो जिन राज्यों से आदरणीय राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं उन राज्यों में उप यात्रा करेंगे और लोगों के बीच जा करके इस यात्रा के दौरान समझने का प्रयास करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।